नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल आर्या। मैं हूं गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से हर महीने 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रोडक्ट्स के। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उसके एक्सचेंज में वो आपको कमीशन देते हैं। तो आज हम सीखेंगे अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अमेज़न के आइटम्स को सेल करेंगे और उसके बदले अमेज़न आपको कमीशन देगा। और वो हम करते कैसे हैं, हम करते हैं उसको एक एफिलिएट या एक रिव्यू वेबसाइट बनाकर। अब ये रिव्यू वेबसाइट या एफिलिएट वेबसाइट्स क्या होती है, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने खुद की एक एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा कि कैसे मैं और दूसरे एफिलिएट्स अपनी एफिलिएट वेबसाइट से अर्न करते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना अमेज़न का डैशबोर्ड दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पिछली एफिलिएट वेबसाइट को सेल किया था 15,00,000 रुपीज़ में, और अभी करंट एफिलिएट वेबसाइट को मैं सेल करने वाला हूँ इस ईयर के एंड में फॉर 1 करोड़ रुपीज़। ऑलराइट, और उसके बाद आप सीखेंगे कि आप भी ऐसी खुद की एफिलिएट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए अब देखते हैं कुछ एफिलिएट वेबसाइट्स। मान लीजिए आपको अपने घर के लिए कोई भी एक प्रेशर कुकर खरीदना है, और आप सोच रहे हो कि आपको कौन सी कंपनी का प्रेशर कुकर खरीदना चाहिए। तो हम ऑनलाइन जाकर क्या लिखेंगे, बेस्ट प्रेशर कुकर। सपोज मैंने ये लिखा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि homezin.com वेबसाइट रैंक हो रही है, kitchenarena.in रैंक हो रही है। तो चलिए इन वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रेशर कुकर्स हमें बता रखे हैं, हमें कौन कौन से खरीदने चाहिए। तो homezin.com पर हम आगे, और इन्होंने लिखा हुआ 8 best pressure cookers in India 2020 रिव्यूज एंड बाइंग गाइड। इसी टाइप की हमारी भी वेबसाइट बनने वाली है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या डाल रखा है कि जो लोग के पास पूरा आर्टिकल रीड करने का टाइम नहीं है, इन्होंने एक टेबल बना के दे रखी है, और इस टेबल में इन्होंने कॉल टू एक्शन बटन्स लगा रखे हैं कि ये वाला प्रेशर कुकर आप अमेज़न से खरीद सकते हो। तो जैसे ही मैं इन कॉल टू एक्शन बटन्स पे क्लिक करता हूं, तो मैं कहां पर जाऊंगा, अमेज़न पर जाऊंगा। और अब अमेज़न पर आने के बाद अगले 24 घंटे में मैं चाहे कुछ भी खरीदूं, चाहे ये प्रेशर कुकर खरीदूं या ना खरीदूं, चाहे मैं अपनी जीन्स खरीदूं, मैं अपनी शर्ट खरीदूं, चाहे मैं कोई लैपटॉप खरीदूं, चाहे मैं कोई मोबाइल फोन खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, हर चीज की कमीशन इस वेबसाइट homezin.com कर मिलेगी। ओके, तो 24 घंटे का टाइम होता है, अगले 24 घंटे में जो भी लोग खरीदेंगे अमेज़न से, हर आइटम की आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू कमीशन मिलेगी, चाहे वो प्रेशर कुकर खरीदे या फिर कुछ और खरीदे। तो चलिए अब इनका आर्टिकल देखते हैं। इसके बाद अब इन्होंने यहाँ पर 8 best pressure cookers के बारे में बता रखा है कि आप कौन कौन सा प्रेशर कुकर खरीद सकते हो। इसके बारे में इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट कैसे हम लिखेंगे वो भी आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। फिर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन्होंने बता रखे हैं, और फिर दोबारा से जैसे कि आप देख सकते हो बाय नाउ फ्रॉम अमेज़न का एक कॉल टू एक्शन बटन डाल रखा है, और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे amazon.com। तो इन्होंने ऐसे अलग अलग प्रेशर कुकर्स के रिव्यूज डाल रखे हैं कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। और इन वेबसाइट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी चीज खरीदे, क्योंकि इन हमारी एफिलिएट वेबसाइट का मेन मकसद यही होता है कि विजिटर्स को हम अपनी वेबसाइट पर आने के बाद अमेज़न पर रिडायरेक्ट करें थ्रू दीज कॉल टू एक्शन बटन्स। ओके, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंट प्रेशर कुकर्स इन्होंने डाल रखे हैं। तो इसी टाइप की हमारी भी रिव्यू वेबसाइट हम बनाएंगे इस कोर्स में, जैसे कि इन्होंने ये प्रेशर कुकर के ऊपर एक आर्टिकल है। तो ऐसे आप कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हो, और उस टॉपिक पर ही हमारी वेबसाइट बनेगी। उसके बाद इन्होंने बाइंग गाइड डाल रखी है कि आपको प्रेशर कुकर खरीदने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, ये सारा हम अपने कंटेंट में भी आगे डालने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो है ये वेबसाइट, चलिए अब कोई और वेबसाइट देखते हैं,
homzine.com के बाद रैंक हो रही kitchenarena.in। kitchenarena.in पर हम आगे, इस पर भी है 11 बेस्ट प्रेशर कुकर इन इंडिया 2020। तो इसमें भी अब जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है हॉकिंस स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, और इन्होंने भी यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन डाल रखा है चेक प्राइस एट अमेजोन। तो जैसे मैं चेक प्राइस एट अमेजोन पे क्लिक करता हूँ तो मैं जाऊंगा कहाँ पर, अमेजोन पर। ओके, और अगर अब मैं ये प्रेशर कुकर खरीदता हूँ तो इसका लगभग 10% कमीशन kitchenarena.in को मिलेगा, और ये सिर्फ एक विजिटर का है। तो सोचिए अगर आपकी वेबसाइट पर डेली हजारों विजिटर्स आ रहे हैं तो आपकी कितनी ज्यादा कमाई हो सकती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा, और वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब देखो इन्होंने भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फिर दोबारा से कॉल टू एक्शन का बटन बाय एट अमेजोन, ऐसे इन्होंने भी अलग अलग प्रेशर कुकर्स डाल रखे हैं। आप चाहे कोई भी खरीदो, इनको हर चीज पे कमीशन मिलने वाली है, भले ही आप प्रेशर कुकर खरीदो या ना खरीदो। ओके, तो इसी टाइप की हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो ये तो था प्रेशर कुकर के ऊपर, चलिए अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मान लीजिए आपको लैपटॉप खरीदना, तो सपोज मैंने लिखा बेस्ट लैपटॉप अंडर, मान लीजिए आपका 20,000 का या 40,000 का बजट है और आप 40,000 के नीचे नीचे अभी आप लैपटॉप्स देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर भी दोबारा ये ऐसे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, digit.in, ये सारी एफिलिएट वेबसाइट्स हैं, techradar.com, vsbytes.com। चलिए किसी एक वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखो ये भी सिमिलर टाइप की वेबसाइट है जैसे हमने kitchenarena.in देखी थी उसी टाइप की। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये लैपटॉप डाल दिया है HP 15 कोर, चेक प्राइस एट अमेजोन, और फिर फिर लैपटॉप के बारे में इन्होंने डिटेल्स डाल दिए हैं। दोबारा से व्यू ऑन अमेजोन का कॉल टू एक्शन बटन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और फिर बाय एट अमेजोन। तो जब कोई वेबसाइट फेमस हो जाती है, जैसे kitchenarena.in काफी फेमस वेबसाइट है, तो उसी से लोगों ने सीख कर इस टाइप की अपनी वेबसाइट बनाई है। तो यही आप आगे सीखने वाले हो। तो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है बाय एट अमेजोन, फिर Lenovo का लैपटॉप है, ऐसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स डाल रखे हैं। तो हम भी इसी टाइप की एक वेबसाइट बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि एफिलिएट वेबसाइट से अर्न करना कितना इजी है, और आप भी अपनी खुद की एक एफिलिएट वेबसाइट बनाकर अर्न कर सकते हैं। अब वेबसाइट बनाना सीखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं अपने अमेजोन का डैशबोर्ड और अपनी अर्निंग्स। तो चलिए चलते हैं मेरे अमेजोन डैशबोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स ये मेरा अमेजोन एसोसिएट्स का डैशबोर्ड है। जब आप भी अमेजोन एफिलेट ज्वाइन करेंगे तो आपको भी कुछ इसी टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे आपके डेली क्लिक्स एंड अर्निंग्स आपको दिखाई देंगे। तो अब मैं आपको अपने अर्निंग्स रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस महीने अभी तक मेरी अर्निंग 1,11,000 समथिंग हुई है, और मेनली जो मेरी इनकम होती है वो USA, कनाडा, UK, इन टीयर वन कंट्रीज से होती है। मैं अभी फ़िलहाल इंडिया को टारगेट नहीं करता क्योंकि उसमें ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप USA को ही टारगेट करें। और लास्ट मंथ की मेरी जो अर्निंग है वो अराउंड 1,39,000 समथिंग है जी, 1,39,000। और जैसे कि आप देख सकते हैं USA से 1,11,000, UK से 20,000, कनाडा से 7,800। ऑलराइट, और गाइस ये सिर्फ मंथली अर्निंग है, जो सबसे बेस्ट बात है अमेजोन एफिलिएट के बारे में कि मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ सभी को, वो ये है कि आप जब चाहो अपनी एफिलिएट अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट को आके दूसरे लोगों को सेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है एम्पायर फ्लिपर्स। एम्पायर फ्लिपर्स एक वेबसाइट ब्रोकर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम गाड़ियाँ खरीदते हैं बेचते हैं, घर खरीदते हैं बेचते हैं, स्कूटर बाइक खरीदते हैं बेचते हैं, ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट्स को भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं इसके मार्केट प्लेस में, और अब मैं दिखाता हूँ कि
कैसे आप अपनी वेबसाइट सेल कर सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। हम अभी फोकस करेंगे अमेजोन एसोसिएट्स पर। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सभी वेबसाइट्स अमेजोन एसोसिएट्स वेबसाइट हैं, और यहाँ पर इनका निश दे रखा है कि कौन से टॉपिक पर ये वेबसाइट है। अभी मैं आपको बताऊंगा निश कैसे सिलेक्ट करते हैं, और इनका मंथली प्रॉफिट कितना है, और इनका सेलिंग प्राइस कितना है, और कितने मल्टीपल पर ये वेबसाइट सेल हो रही है। मल्टीपल मीन्स कि जितनी आपकी मंथली अर्निंग है उसके कितने टाइम्स पर आपकी वेबसाइट सेल हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका मंथली नेट प्रॉफिट है $49,000, ये डॉलर्स में, रुपीज़ में नहीं है, $40,000, $26,000, और ये वेबसाइट सेल हो रही है $1.9 मिलियन में, यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपीज़, $1.3 मिलियन, $1.1 मिलियन, $1 मिलियन। ऑलराइट, तो यहाँ तक आने के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा मेहनत हमें चाहिए होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ जितनी मेरी अर्निंग है। तो मान लीजिए मेरी अर्निंग अभी 1,40,000 रुपीज़ के अराउंड है, और अगर मैं अपनी वेब, जैसे कि आप यहाँ पे मल्टीपल देख सकते हैं, 44, 40, 36, 38, 32, 30, 32, 33, 36, तो मान लीजिए अगर मैं 30 टाइम्स पर भी वेबसाइट अपनी सेल करता हूँ तो भी इजीली मेरी वेबसाइट 35 से 40 लाख के बीच अभी सेल हो जाएगी। लेकिन मैं अभी अपनी वेबसाइट को इतने लो अमाउंट पर सेल नहीं करने वाला। मैंने अपनी लास्ट वेबसाइट को 6 महीने के अंदर सेल किया था 15 लाख रुपीज़ में, लेकिन उस टाइम मैंने भी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी और मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन अब मैं फ़िलहाल जो मेरी अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है इसको मैं सेल करने वाला हूँ इस ईयर के एंड तक, या फिर होपफुली नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक, फॉर 1 करोड़ रुपीज़। और गाइज, मैं उसकी वीडियो भी शूट करूंगा और आप सभी को सेंड भी करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन वेबसाइट्स की मंथली अर्निंग है $1,500, यानी कि $100,000, $2,300, $2,000, $2,000, और इनका सबका निश भी दे रखा है कि ये कौन से टॉपिक पर वेबसाइट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, ऑटोमोटिव, टेक, आर्ट, पर्सनल केयर, टेक, ऐसे बहुत सारे निश आपको मिल जाएंगे, होम, हॉबीज, टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेजेस, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो गाइज, जो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग है वो सबसे बेस्ट है अगर आपको बहुत ज़्यादा आरओआई चाहिए तो, क्योंकि इसमें जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है वो यही है कि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी मंथली अर्निंग होने वाली है, आप जब चाहो अपनी वेबसाइट को आगे एम्पायर फ्लिपर्स पर या इस जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पर आप इजिली सेल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि एफिलिएट वेबसाइट का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है और आरओआई भी बहुत ही ह्यूज है। और सबसे बेस्ट बात तो गाइस ये है कि आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट को कभी भी 30 टाइम्स पर सेल कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपनी खुद की एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम एफिलिएट वेबसाइट बनाते कैसे हैं? कोई भी एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन का मतलब है कि आपको कोई भी अपनी वेबसाइट के लिए एक छोटा टॉपिक चूज करना है। अब मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक चूज किया, शूज। अब शूज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, ऑफिस शूज और भी अलग अलग टाइप्स के। तो अब अगर आपने रनिंग शूज टॉपिक चूज किया है तो वो आपका निश होगा। अब सेकेंड स्टेप होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है कि जो भी निश आपने चूज किया है अपनी वेबसाइट के लिए उससे रिलेटेड लोग ऑनलाइन क्या सर्च करते हैं, जैसे कि बेस्ट रनिंग शूज इन इंडिया, बेस्ट रनिंग शूज अंडर 2,000 रुपीज, बेस्ट रनिंग शूज अंडर 5,000 रुपीज एक्सेट्रा। तो जो भी लोग रनिंग शूज से रिलेटेड ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो भी वो वर्ड्स टाइप करते हैं, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी वेबसाइट के लिए। थर्ड स्टेप हमारा होगा उसके बाद वेबसाइट क्रिएशन, जिसमें आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। उसके लिए हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती है, डोमेन एंड वेब होस्टिंग। डोमेन का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का नाम, और वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि जहां पे आपकी कंप्लीट वेबसाइट की डिटेल्स होस्ट होंगी, जो भी आपका डेटा है वो स्टोर होगा। तो वो आपकी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इतनी ज्यादा नहीं होती, मुश्किल से 200 या 300 रुपए पर मंथ होगी। ऑलराइट, तो ये हम वेबसाइट बनाते कैसे हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही चाहिए। वेबसाइट बनाना बहुत ही इजी है, और उसके लिए मैंने एक लिंक अंडर दे रखा है वीडियो के नीचे, जिसको देखकर आप अपनी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं।
उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा कंटेंट क्रिएशन। तो जो सबसे मेन टॉपिक है हमारी वेबसाइट का वो है कंटेंट, कि जो भी लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट हमें अपनी वेबसाइट पर डालना है। और कंटेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंटेंट खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनल राइटर से आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी 42 राइटर्स हैं जो मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए राइट करते हैं, तो अगर आप चाहो तो मुझसे भी आउटसोर्स कर सकते हो, या वरना बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जहां से आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप हमारा होता है SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, जिन भी कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट भी गूगल पर टॉप पर रैंक करे और आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आए। जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आएंगे तभी वो अमेजोन पर जाएंगे, और जब वो अमेजोन पर जाएंगे तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आते जाएंगे आपकी अर्निंग भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, तो पहले 2-3 महीने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करना शुरू हो जाती है, और फिर आपकी 5,000, 10,000, 20,000 के राउंड अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और देखते ही देखते एक साल के अंदर आप 50,000 रुपए से भी ज्यादा ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है एफिलिएट वेबसाइट बनाने का और पैसे अर्न करने का, ये एक ही वीडियो के अंदर बताना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस सिस्टम क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको निश सिलेक्शन, कीवर्ड सर्च, वेबसाइट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, SEO और बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको दोस्तों करना ये है, आपको बस मेरी वेबसाइट पर जाना है akhilarya.com/affiliatesuccess, और वहां पर जाकर आप कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप ये एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग किसी दूसरे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से लेंगे तो वो आपको इजीली 25,000, 30,000, 50,000 या टू 85,000 रुपीज भी चार्ज करेंगे। लेकिन मैंने अपना एफिलिएट सक्सेस सिस्टम बहुत ही लो कॉस्ट पे रखा हुआ है, ताकि हर कोई इसको इजीली ले सकता है। और फ्री इसीलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने स्टार्टिंग में फ्री दिया था वो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है फ्री की चीजों पर कोई ज्यादा फोकस नहीं करता। तो दोस्तों इस एफिलिएट मार्केटिंग को आपको बहुत सीरियसली लेना है अगर आपको ऑनलाइन अर्न करना है। ओके, तो मेरा एफिलिएट सक्सेस सिस्टम आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में, ओनली 1600 रुपए में, 90% ऑफ पे, और आप देखते देखते अपनी एफिलिएट वेबसाइट से पैसे अर्न करना शुरू कर देंगे। और आपको मेरा भी कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा फेसबुक मैसेंजर एंड ईमेल पर, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, दोस्तों अभी वीडियो फिनिश नहीं है, अभी आपके लिए एक और गिफ्ट है जो कि मैं हर महीने अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, वो है मेरा मंथली गिव अवे, जिसमें कि 3 लकी मेंबर्स मेरा एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम एब्सोल्युटली फ्री जीत सकते हैं, और कोई एक लकी मेंबर को मैं कंप्लीट एफिलिएट वेबसाइट खुद बनाकर उनको दूंगा, ताकि आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। तो आपको बस करना ये है कि आपको उसके लिए मेरी वेबसाइट पर जाना है akhilarya.com/monthly-giveaway और उन दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है, और जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कमाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे प्राइजेस जीतने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप चाहते हो कि और भी कोई इस वीडियो को देख के लर्न करे, तो आप प्लीज इसे शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।